अगर आपने अपना शॉपिफाई स्टोर बना लिया या बनाने की सोच रहे हो और उस शॉपिफाई स्टोर के ऊपर आपको अपने कस्टमर को कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी देना है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ कि आप अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर कैश ऑन डिलीवरी का जो ऑप्शन है उसे कैसे इनेबल कर सकते हो और अगर आपके स्टोर पे आपको कोई कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर ऑर्डर रिसीव होता है तो उस ऑर्डर को आप अपने कस्टमर्स तक कैसे पहुंचा सकते हो, तो इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन देना है तो इसे कैसे करना है। बहुत सिंपल स्टेप है, आपको बस अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर जाना है, उसकी सेटिंग्स में जाना है, वहाँ आपको पेमेंट्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, पेमेंट्स पे क्लिक करना है, वहाँ पर आपको मैनुअल पेमेंट्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, वहाँ से आप कैश ऑन डिलीवरी को ऑन कर सकते हो। तो इसके बाद अगर आपके स्टोर के ऊपर कोई भी ऑर्डर प्लेस करेगा तो उसे चेकआउट करते हुए पेमेंट के ऊपर आपको कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो ये बड़ा सिंपल स्टेप था, आप 2 मिनट के अंदर इसे कर सकते हो। अब डिस्कस कर लेते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर कि अगर आपके स्टोर के ऊपर आपको कोई सीओडी के अंदर ऑर्डर रिसीव हुआ है तो दोस्तों जो सीओडी के ऑर्डर्स होते हैं ना इन्हें प्रोसेस करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी क्लियरिटी दे देता हूँ कि जो शॉपिफाई है उसका आपके शिपिंग या पेमेंट के साथ या सीओडी कैश ऑन डिलीवरी के साथ लेना देना कुछ भी नहीं होता। शॉपिफाई सिर्फ आपको वेबसाइट बना के देता है कि आप अपनी वेबसाइट सही से बना सकते हो। आपको सीओडी करना है, आपको पेमेंट करनी है, आपको शिपिंग करनी है, इसके लिए आपको थर्ड पार्टीज प्लेटफॉर्म के साथ जाना पड़ता है। तो यहाँ मैं मान के चल रहा हूँ आप शिपिंग के लिए या तो सिप्रोकेट का यूज कर रहे हो या फिर आप कोई स्पेसिफिक कोरियर पार्टनर के साथ आपका टाई अप है। और अगर आपको सिप्रोकेट के बारे में नहीं पता तो आप गूगल कर सकते हो, आने वाले टाइम में मैं भी इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और बाकी मैं सिंपल एक लाइन में बता देता हूँ कि इसके ऊपर आप अलग अलग कोरियर पार्टनर को कंपेयर करके आप ऑर्डर बुक कर सकते हो। तो सिप्रोकेट थोड़ा सा इजीली होता है आपको ऑर्डर बुक करने के लिए, तो आप चाहे सिप्रोकेट के साथ जाओ या फिर आप स्पेसिफिक कोई कोरियर पार्टनर, यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए ब्लू डार्ट ले लेता हूँ, आप ब्लू डार्ट के साथ जाओ या सिप्रोकेट के साथ, आप जब भी इनके ऊपर अपना कोरियर बुक करोगे ना तो वहां पर कोरियर को बुक करते समय आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा प्रीपेड का या फिर सीओडी मतलब कैश ऑन डिलीवरी का। तो आपको यहाँ पर सीओडी सिलेक्ट करना है। सीओडी के ऊपर यूजुअली जो एक कोरियर पार्टनर होता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं क्योंकि उन्हें वो जो कैश पेमेंट होती है उसे हैंडल करना पड़ता है। तो सिंपली आपको एक ऐसे यहाँ से सीओडी का कोरियर बुक कर देना है। क्या आपने जो भी कोरियर पार्टनर चूज करा वो आपके स्टोर पे आएगा, आपसे प्रोडक्ट लेगा, आपके कस्टमर तक वो डिलीवर करेगा। जब वो कोरियर आपके कस्टमर को हैंड ओवर करेगा तो उसके बदले में वो उससे पेमेंट ले लेगा जो कि कैश के अंदर होने वाली है। और अब ये जो कैश पेमेंट आपके कोरियर पार्टनर के पास आ गई है वो 7 से 15 दिन के अंदर आपके अकाउंट में वो ट्रांसफर कर देते हैं। और ये जो कैश ऑन डिलीवरी की पेमेंट आपके अकाउंट में आती है ना हर एक कोरियर पार्टनर के लिए वो अलग होती है, तो वो आप उनकी वेबसाइट पे या उनके टर्म एंड कंडीशन में भी चेक कर सकते हो कि वो कितने दिन में आपके अकाउंट में पेमेंट भेजता है। तो सिंपल ये पूरा प्रोसेस था कैश ऑन डिलीवरी का शॉपिफाई के ऊपर, आपको ये सेटअप करना है और अपने कस्टमर को एक एड ऑन सर्विस देनी है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपको कुछ पूछना है, कोई सवाल है, कोई सजेशन है, नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख ही सकते हैं। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, धन्यवाद।